2023-2024 बजट पर बोलने का मेरे को मौका दिया, टाइम कम है, मैं जो मेरी मांग है मैं वही रखूँगा। मेरे मिडिल स्कूल को सेकेंडरी स्कूल कराने के लिए मंत्री यहाँ बैठे हैं, मैं गांवों के नाम बोलूँगा। ADLP से बख्तावर सिंह वल्डाणी, ग्राम पंचायत नाथवाणा, लम्मी डाव ग्राम पंचायत हरीपुरा हीरा सिंह वाला डोल नगर, ग्राम पंचायत बाखरा वाली, चकबारा MLD ग्राम पंचायत अमरवा जालू, 8 PTB ग्राम पंचायत इंद्रगढ़, 12 KSD मल्लू मोड़ ग्राम पंचायत रसू वाला, डाबा स्टेशन ग्राम पंचायत डाबा, 2 HRP ग्राम पंचायत हरीपुरा, 3 MZD ग्राम पंचायत रतनपुरा, 5 KHR ग्राम पंचायत खराखड़ा, 2 MZW ग्राम पंचायत मिर्जेवाली, कमरानी ग्राम पंचायत शारिका, चक प्रताप नगर ग्राम पंचायत मोरजन सिखान, 2 SBN ग्राम पंचायत साबुआना। कुछ मेरी सड़कों की मांग है, शाहपिनी से किशनपुरा और 19 MP साधु शहर संग्रह मार्ग तक 18-20 AMP व 10-13 PTB होते हुए गांव ढाबा से चक 4 BJP होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक, एहलाबाद सड़क मुख्य सड़क से चक 3 TLW 33 KVS GSS तक, सालसर मार्ग से संगरी हनुमानगढ़ रोड तक 5 NTW 3 MZD 73 हेड होते हुए संगरी हनुमानगढ़ रोड तक, 19 MP से 14-15 MZD होते हुए चक 9 DLP धौलीपुर सड़क तक, गांव दीनगढ़ से ढाबा तक मिसिंग लिंक, संगरिया टिब्बी मार्ग से SBN महेंद्र किनारे होते हुए हरियाणा बॉर्डर तक, मिस्तानी हेड से 6 RW मोटे वाला चक, गांव संतपुरा से 5 KSD होते हुए डोलनगर नुकेरा रोड तक, गांव हरिपुरा से गांव ढाबा तक, सूर्यवाला नाईवाला रोड से चक 1 SRW चरण सिंह ढाणी तक, तंदूरवाली नाईवाली रोड से गिलवाला कुचंदर रोड तक, पन्नीवाला सरेका तक, पीरकामड़िया से सलेमगढ़ तक, टिब्बी से संगरिया रोड से गगन नदी के किनारे होते हुए हनुमानगढ़ टिब्बी रोड तक, हनुमानगढ़ से सूर्यवाली रोड से दौलतपुरा तक, मेहरवाली से डबली कलां तक, चाइया सालसा रोड से IGNP नहर के किनारे से 22 RD से मेहरवाला तक, थल्लका रोड से बुरहानपुरा गांव से 3 RW बक्केवाली जोड़ी तक, इंद्रगढ़ से पंजाब बॉर्डर तक, गुड़िया से हरियाणा बॉर्डर तक, टिब्बी से रत्ताखड़ा तक और फतेहपुर से कमराणी तक। मेरी नगर पालिका के अंदर जो 2011 की वादी थी उसके अंदर जनसंख्या थी 37,000 जनसंख्या थी, अब लगभग वो बढ़कर 55,000 हो चुकी है। वहाँ पानी, गंदे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर सीवेज लाइन डालने का की मांग करता हूँ मैं। बार बार टिब्बी क्षेत्र के अंदर गेहूँ की बिजाई बहुत ज़्यादा होती है, हर बार वहाँ आगजनी होती है, तो मैं बार बार फायर ब्रिगेड की मांग करता रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे को जवाब ये मिलता रहा भी इसको साल संभाल के लिए नगर पालिका को ही दे सकते हैं। अब मेरी टिब्बी नगर पालिका बन चुकी है, मैं मांग करता हूँ यहाँ फायर ब्रिगेड दी जाए। इस बार ने जो नगर पालिका के अंदर सड़कों की 20 किलोमीटर की घोषणा की है, मेरी टिब्बी जो नगर पालिका है वो नई बनी हुई है, वहाँ कम से कम 50 किलोमीटर रोड दी जाए ताकि कस्बे के अंदर पूरे के अंदर नई रोडें बन सकें। मेरी कुछ स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य केंद्र सूर्यवाले को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र सूर्यवाला बनाने के लिए मांग करता हूँ, उप स्वास्थ्य केंद्र शापनी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग करता हूँ, शापनी को उप स्वास्थ्य केंद्र पीरकामड़िया को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीरकामड़िया, उप स्वास्थ्य केंद्र खराखड़ को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खराखड़ा, उप स्वास्थ्य केंद्र सालीवाला को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सालीवाला। मेरे 3 CSC हैं और तीनों के अंदर डॉक्टर बहुत कम हैं और मेरे हॉस्पिटलों का नाम ही रेफर हॉस्पिटल रख रखा है। मैं मांग करता हूँ जल्द से जल्द, जब से मैं MLA बनाऊँ मंत्री से कई बार मिलाऊँ डॉक्टरों के लिए, डॉक्टर हमारे नहीं हैं तो डॉक्टरों की मांग करता हूँ हमारे CSC के अंदर डॉक्टर भरे जाए, PSC के अंदर डॉक्टर भरे जाए। एक मेरी तहसील अभी ऑनलाइन हुई है जौमंदी के अंदर, उसके अंदर जो सांझे खाते थे जमीनों के 2300 खाते अवैध हो चुके हैं, उसके लिए भी मंत्री हमारी वहाँ मीटिंग ली थी मंत्री ने, तो उस टाइम भी कलेक्टर साहब के सामने सारी बात हुई थी। अभी तक उसका जो जमीन के काश्त करना तो जमीन बेच सकते हैं ना, उनका इंतकाल होता है ना उनको बैंक का लोन मिलता है, इस कारण इसको सॉफ्टवेयर सही करके इन 2300 खातों को
इस तेज सुखातों के अंदर हजारों किसान हैं, ताकि उनको लाभ मिल सके, यही मेरी मांग थी। आपने मेरी बात सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री।